हेलो पिला माने मधुआपुर साहित्य श्रेणी को तुम मानक स्वागत। पिला माने आमे पूर्व श्रेणी रे कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र जीवनी और साहित्यकृति किसी अंश आलोचना करें तेबे वर्तमान आस आमे कौन सब आलोचना करते पुणी थे देखने पिला माने पूर्व श्रेणी आमे आलोचना करते लक्ष्मीकांत अनेक गल्प प्रबंध उपन्यास जीवन स्मृतिमूलक प्रबंध अंगेनिबा कथा निज जीवन अवस्था विशेषर स्मृति आदि रचना करी ओडिया गद्य साहित्य को समृद्ध करिसंती। साहित्य रे हास्य रस एकांत आवश्यक बोली से मन करुथिले। ताले पिला माने आमे गत श्रेणी रे कांतकविंकर गद्य विभाग को अवदान संपर्क रे आलोचना करथिले। आज आम जो अंश तक आलोचना करवा विषय आस देखने लालिका रचना भिन्न अनेक हास्य उद्दीपक कविता लिखिंट कांतकवि तन्मध्यरे अलणा पुराण जुगर मजा बीड़ी महिमा शोक गीत गांधीगोल कविता स्मरण योग्य कविवर राधानाथ राय विरचित चिलिका रीति लक्ष्मीकांत लिखिंट बैतरणी कल्लोल और विविध कविता संकलन में अनेक कविता संकलित सेगुड़िक मध्य श्मशान राधानाथ श्मशान मधुसूदन महाप्रयाण आषाढ़ प्रथम दिवस वर्षा संगीत शिशु शिशुर भास शिशुर हस मो संगीत जुगावतार आदि कविता प्रमुख। महात्मा गांधी को कवि जुगावतार भाव में परिकल्पना करिसंती जुगावतार कवितारे रचित आध्यात्मवादी गीत गुड़िकर संकलन जीवन संगीत कांतकवि रचनावली मध्य पुस्तकटी भिन्न धरणर स्वर थिबा गीतावली ताल नाम उल्लेख पूर्वक गीतगुड़िक संकलित गीतगुड़िकर उच्चांग भाव संपद जीवन संगीत को अनन्य कृतिर मान्यता देछ। केही केही यहाँ रवींद्रनाथ टागोर गीतांजलि तुल्य महान कृतिकीर्ति बोली कही थांती। जातीय भाव देशप्रीति और जातीय वीर बंदनामूलक केतोटी कविता तांको जातीय संगीत कविता संकलन रे स्थान पाइछ। पूर्वरु प्रकाश पाई दुंदुभी कविता संकलन रे स्थानित वंदे उत्कल जननी जातीय संगीत संकलन भुक्त होइछ। ओडिशा सरकार तरफर वंदे उत्कल जननी संप्रति राज्य संगीतर मान्यता लाभ करिछ। कोटि कोटि कंठे आजि उड़ाई निशाण बजाई भेरी साजरे साजरे भाई माने हो आदि जातीय आह्वानमूलक कविता यही संकलन रे स्थान पाइछ। वस्तुत कांतकवि लक्ष्मीकांतक विरचित देश और जातिर वंदनामूलक कवितावली रे जातीय संगीत संकलन समृद्ध। कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र थिले वैष्णव तेणु तांक लेखावली रे स्वदेश प्राणता और आशावादर झलक सहित सौंदर्याश्रित महान भावनाराजि सर्वत्र प्रकाश पाइछ। आध्यात्मिक उच्चांग भाव बेले बेले तांको सृष्टि को अनन्य करिछ। अधिकांश रचना आवेदन रे पाठक को हास्य माध्यम रे सुखानुभव देछ। ओडिया साहित्यर सबु विभाग रे लेखनी चालना करी कृति गुड़िकर उत्कृष्टता हेतु कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र जशो देहे आयुष्मान होइ रहिसंती। ओडिया जाति निकटरे एभली जणे महापुरुषक जीवनी ओ साहित्यकृति ओडिशावासी को नूतन दिग्दर्शन और प्रेरणा दे आसुथिबारु तांको कृतित्व ओडिया पाठक मानक निकटरे आदरणीय होइछ एवं चिरकाल ग्रहणीय होइ रहिबो मध्य। पिला माने आमे आज ए जो अंश तक आलोचना करिबा सेथिरे किछि क्लिष्ट पद रहिछि। प्रथमे आस से क्लिष्ट पद गुडी को देखिनबा। उद्दीपक उद्दीपक अर्थ जहाँ
कार्य करने मनरे आग्रह जन्माए बा आमको जहाँ कार्य करने प्रेरणा दिए सी हूँ उद्दीपक तन्मध्यरे अर्थ ताहा भितरे बा ताहा मध्यरे अलणा जहाँ मन को पाए ना सी हूँ अलणा ओडिया आम कहू अलणा कथा अर्थात जो कथी मन को भल लगे ना क्या जाए अलणा कथा विरचित जहाँ रचना करा जाए सी हूँ विरचित रीति रीति अर्थ पद्धति बा धारा महाप्रयाण महाप्रयाण अर्थ मृत्यु उच्चांग भाव अर्थ उच्च चिंताधारा उच्चांग भाव उच्च चिंताधारा आउ कौन सब कष्ट पद रही देखने वा आह्वान आह्वान अर्थ डाकरा से वैष्णव वैष्णव अर्थ विष्णु उपासक मानक वैष्णव बोली कुआ जाए जो मैंने विष्णु भक्त विष्णु नाम उपासना करती से वैष्णव सौंदर्याश्रित अर्थ सुंदरता को भल पाइबा सौंदर्याश्रित यह एक जौगिक पद यार संधि विच्छेद कले हूँ सौंदर्य युक्त आश्रित भावनाराजी अर्थ भावना समूह जहाँ सब भावना रही था मनरे भावनाराजी कह जाए उत्कृष्टता अर्थ श्रेष्ठता जशो देहे आयुष्मान जी निजर सत्कर्म पाई चीर अमर हो रहे कहुए जशो देहे आयुष्मान दिग्दर्शन अर्थ नमूना बा उदाहरण बा दृष्टांत चिरकाल चिरकाल अर्थ सबुदिन ताल पिला माने आमे कठिन पदर अर्थ सब तो जाणिनेले वर्तमान आस जो अंशटी को आमे पढ़ी तार भाव सरल भाषा रे बुझी नेबा लालिका रचना भिन्न अनेक हास्य उद्दीपक कविता लेखिछन्ति कांत कवि पिला माने आमे पूर्व श्रेणी रे आलोचना करथिले जे कांत कवि अनेक गल्प उपन्यास प्रबंध जीवनीमूलक जीवनी स्मृतिमूलक प्रबंध इत्यादि लेखि ओडिया गद्य विभाग को परिपुष्ट करथिले आमे आज आम देखुचे एठी जे कांत कवि विभिन्न प्रकार कविता मान रचना करि ओडिया साहित्य को परिपुष्ट करिसथि कौन कौन कविता मुख्यतः आम पूर्व आलोचना करथिले से विभिन्न प्रकार लालिका रचना करथिले लालिका गुड़िक साधारणत व्यंगात्मक शैली हास्य उद्दीपक शैली लेखा जाए तेबे लालिका व्यतीत मध्य से अनेक हास्य उद्दीपक कविता लेखिछन्ति से कविता गुड़िक हला जिमितिकी अलणा पुराण ये गोटे लालिका भिन्न हास्य उद्दीपक कविता जुगर मजा बीड़ी महिमा शोक गीत गांधी गोल एगुड़िक लालिका भिन्न हास्य उद्दीपक कविता या व्यतीत कविवर राधानाथ राय देखु पिला माने ये होंगे आमर कविवर राधानाथ राय द्वारा रचित चिलिका महाकाव्य राधानाथ राय विरचित चिलिका रीति लक्ष्मीकांत लिखिंट बैतरणी ठीक यही राधानाथ राय जिन भाई चिलिका काव्यटी को रचना करते खंडकाव्य सी खंडकाव्यटी को रचना करते ठीक से ही शैली कांत कवि लिखी बैतरणी नामक एक काव्य कल्लोल विविध कविता यही दुईटी संकलन कविता संकलन कविता ग्रंथरे तांकर अनेक कविता संकलित हो रही से गुड़िक मध्य जो कविता गुड़िक कल्लोल और विविध कविता मध्य स्थान पाई से पुस्तक स्थान पाई कविता गुड़िक है श्मशान राधानाथ श्मशान मधुसूदन महाप्रयाण आषाढ़ प्रथम दिवस वर्षा संगीत शिशु शिशुर भाष शिशुर हस मो संगीत जुगावतार यही सब कविता गुड़िक स्थानित हो महात्मा गांधी को कवि जुगावतार भाव परिकल्पना कर महात्मा गांधी होंगे जातिर जनक महात्मा गांधी पिले आंकु युगर जड़े अवतारी पुरुष भाव लक्ष्मीकांत वर्णना करी
ତାଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଯୁଗାବତାର ନାମକ ଏକ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଚିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳନ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ। ସେହିଭଳି କେବଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ନୁହଁ, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା। ତାକୁ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ ସେ କବିତାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ପୁସ୍ତକ ସଂକଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେ ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାଳ ସ୍ୱର ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ସେହି କବିତାର ଆରମ୍ଭରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ଏହି ତାଳରେ ଗାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ତାଙ୍କର ସଂକଳିତ ହୋଇଥିଲା ସେହି ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନର ନାଁ ହେଉଛି ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ। ଏଇଟି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସ୍ୱର ଥିବା ଗୀତାବଳୀ। ତାକୁ ଗୀତାବଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ଏଥିରେ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସଂକଳିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ସମ୍ପଦ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅନନ୍ୟ କୃତିର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଥିଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ରହିଥିଲା, ତାହାରି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେହି ପୁସ୍ତକଟି ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ କୃତିର, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର କୃତିର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ବେଳେବେଳେ କେହି କେହି ଏହାକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ତୁଲ୍ୟ ମହାନ କୃତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର ଏହି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପୁସ୍ତକ ଲାଗି ସେ ସାହିତ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଏକ ପୁସ୍ତକ ସମ, ପୁସ୍ତକ ତୁଲ୍ୟ ଏହି ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ପୁସ୍ତକଟି ଅଟେ। ଜାତୀୟ ଭାବ, ଏହିସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ ଭାବ, ଦେଶପ୍ରୀତି ଓ ଜାତୀୟ ବୀର ବନ୍ଦନାମୂଳକ କେତୋଟି କବିତା ତାଙ୍କ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କବିତା ସଂକଳନଟି ପୁସ୍ତକଟି ଅଛି, ସେଇଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶଭକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ, ଦେଶଭକ୍ତି କବିତା, ଦେଶର, ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବୀରପୁରୁଷଙ୍କର ଉପରେ ରଚିତ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ତାଙ୍କର ଦୁନ୍ଦୁଭି କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ କରୁଛେ, ସେଇ କବିତାଟି ପ୍ରଥମେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ନାମକ କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂକଳନରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତଟାକୁ କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି, ଏହି ସଙ୍ଗୀତଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସେଇଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିବା ଆଉ କେତୋଟି ଦେଶଭକ୍ତିମୂଳକ କବିତା ହେଲା କୋଟି କୋଟି କଣ୍ଠେ ଆଜି, ଉଡ଼ାଇ ନିଶାଣ ବଜାଇ ଭେରି, ସାଜରେ ସାଜରେ, ଭାଇମାନେ ହୋ, ଏହିସବୁ ଜାତୀୟ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ କବିତା ଏହି ସଂକଳନରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଏହି କବିତାଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥାଏ। ବସ୍ତୁତଃ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ବିରଚିତ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ବନ୍ଦନା ମୂଳକ କବିତାବଳୀରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂକଳନ ସମୃଦ୍ଧ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ। ପିଲାମାନେ ବୈଷ୍ଣବ କହିଲେ ସେ ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ, ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ଉପାସକ। ସେ ଗୋପୀ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୋପୀନାଥଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ସିଏ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାବଳୀରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରାଣତା ଓ ଆଶାବାଦର ଝଲକ ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରିତ ମହାନ ଭାବନା ରାଜି ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ସେଥିରେ ଦେଶକୁ, ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଆଶାବାଦ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାଶବାଦ ନୁହଁ, ଆଗକୁ ଭଲ ହେବ, ସବୁକିଛି ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କର କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଭରପୁର ଥିଲା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରିତ, ଆମେ ଯେମିତିକି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ, ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ମହାନ ଭାବନା ରାଜିରେ ତାଙ୍କର କବିତାଗୁଡ଼ିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ
आध्यात्मिक उच्चांग भाव बेले बेले सृष्टि को अनन्य करिछ। जिमितिकि जीवन संगीत संकलन रे प्रकाशित समस्त आध्यात्मवादी कविता गुड़िक अधिकांश रचना आवेदन रे पाठक को हास्य माध्यम रे सुखा अनुभव देछि। आमे तो पूर्वरु जानिछे जे लक्ष्मीकांत कर साहित्यर मूल मंत्र थिला हास्य रस, तेणु से कवितार मध्य से जिनिसटा को प्रयोग करिथिले। आम ओडिया साहित्यर सबु विभाग रे लेखनी चालना करी कृति गुड़िकर उत्कृष्टता हेतु कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र जशो देहे आयुष्मान हो रही ओडिया जाति निकटरे। ओडिया साहित्यर प्रत्येक विभाग रे प्रबंध कुह, गल्प कुह, उपन्यास कुह, जीवनी स्मृतिमूलक लेखा कुह, कविता कुह, प्रत्येक क्षेत्र रे से जो लेखा मान प्रकाश करिसंति सबुगुड़ उत्कृष्टता कारण अति उच्च मानर लेखा कारण आज सी आम मान निकट में चीर अमर हो रही चीरस्मरणीय हो रही जड़े महापुरुष जीवनी और साहित्यकृति ओडावासी को नूतन दिग्दर्शन और प्रेरणा दे आसुवर तक कृतित्व और ओडिया पाठक मान निकट आदरणीय हो चीरका ग्रहणीय हो रहा तेरे तांकर जो जीवनीटा आम आज पाठ कले जो साहित्यकृति संपर्क आलोचना कले यहीटा निश्चित प्रत्येक ओडिया पाठक को आम मान सबुदिन प्रेरणा जोगे आसी थी। आजिकार आलोचनार विषय थिला तबे पिला माने आज आम जहाँ सब आलोचना कले तार मूल सारांश कौन रही ना आज आम यही सिद्धांत उपनीत हेले जे कांत कवि लक्ष्मीकांत जने बहुमुखी कवि रूपे साहित्य जगत रे चीर अमर। आज जेहेतु कविता गुड़िक संपर्क आलोचना कले तेणु जने बहुमुखी कवि रूपे साहित्य जगत रे अमर होती बोली आम कह कहीं से विभिन्न प्रकार कविता रचना करते द्वारा रचित अनेक लालिका हास्य उद्दीपक कविता देशात्मबोधक कविता आध्यात्मवादी कविता ओडिया साहित्यर श्रीबुद्धि साधक अटे। तबे पिला माने वर्तमान आमे जहाँ आलोचना कले सेति संबंधी किसी प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। एक गोटे वाक्य रे उत्तर दियो। क राधानाथ राय को चिल्लिका रीति रे लक्ष्मीकांत लेखिथिबा कविताटीर नाम कौन कौन पिला माने से कविताटीर नाम होची बैतरणी। पिला माने तुम्हें माने पूर्ण वाक्य रे उत्तर डी लेखिन। ख नंबर प्रश्न जुगावतार कविता रे कवि काहाकु जुगावतार रूपे परिकल्पना करिसंति यार उत्तर हाँ महात्मा गांधी। तापर प्रश्न लक्ष्मीकांतांको आध्यात्मवादी गीत संकलनर नाम कौन से गीत संकलन नाम होची जीवन संगीत। तापर प्रश्न लक्ष्मीकांतांको द्वारा रचित देश और जातिर वंदनामूलक कविता संकलनर नाम कौन यार नाम होची जातीय संगीत। आउ किसी प्रश्न अच्छी ताकू भी देखी नबा। दुई नंबर प्रश्न निम्नलिखित पदगुड़िकर संधि विच्छेद कर सुखानुभव यार ठीक संधि विच्छेद हम सुख युक्त अनुभव सुख अयुक्त आ ठीक से भली हास्य उद्दीपक यार संधि विच्छेद कले हम हास्य युक्त उद्दीपक जुगावतार यार संधि विच्छेद होची
युग युक्त अवतार। से भाई आउ गोटे हूँ सौंदर्याश्रित सौंदर्य युक्त आश्रित। ता परवर्ती प्रश्न तीन नंबर, जेपरी विष्णु को उपासक को वैष्णव कहा जाए से भाई तुम्हें कहींपर जे शिव को उपासक को कौन कहा जाए, शिव को उपासक को शैव। शक्ति को उपासक को शाक्त। पिला माने तुम्हें माने यही प्रश्न सबुर उत्तर टिपि नब, ताहले पिला माने आज पाई एतिकी। बाय बाय।